स्वागत है दोस्तों, आज फिर आपका ब्लैक बॉक्सिंग चैनल के अंदर। आज का वीडियो हमारा है राजस्थानी लोगों के लिए जिन्हें दाल बाटी बनाने का बहुत शौक है। जिनके घरों के अंदर क्लास टॉप है वो अक्सर स्ट्रगल फील करते हैं ओवन को उसके ऊपर रख के बाटी बनाने में, तो आज उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्लास टॉप स्टोव के ऊपर आप कैसे बाटी का ओवन रख के बाटी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टैंड की जिसका यूज करके आप बाटी के ओवन को ग्लास टॉप के ऊपर रख सकते हैं और इजीली आप बाटी बना सकते हैं, और इससे आपके ग्लास टॉप को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम ग्लास टॉप के ऊपर बाटी ओवन रख के बाटी बनाते हैं तो हमारा ग्लास टॉप जो है हीटिंग की वजह से टूट जाता है, क्रेक आ जाता है उसके अंदर। तो इसी प्रॉब्लम को हमने मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक लाते रहें। तो दोस्तों, ये जो स्टैंड है ये कास्ट आयरन का बना हुआ है और ये लगभग आपका 350 ग्राम का है। तो ये आपका ना तो ज़्यादा भारी है ना तो ज़्यादा हल्का है। 350 ग्राम का आपका प्रोडक्ट है जिसे आप अपने स्टोव के ऊपर रख सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा बाटी का ओवन होता है हम उसे ग्लास स्टोव के ऊपर कुछ इस तरह से रखते हैं, जो कि सेफ नहीं है। इससे आपके स्टोव का ग्लास भी टूट सकता है और आपके भी इंजरी हो सकती है। ये चारों तरफ से आपके ग्लास टॉप के ऊपर सरफेस टच कर रहा है जिससे कि आपका ग्लास गर्म होकर टूट सकता है। नॉर्मली हमारा इस तरह से कुछ होता है कि गैस स्टोव के स्टैंड के ऊपर रखा रहता है। इस स्टैंड का यूज़ करके आप उस डायरेक्ट टच को रोक सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है, हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल स्टैंड होता है, इसको आपसे यहाँ से हटाना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको दो छेद देखने को मिलेंगे, अगर आप इसके ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको हमारा जो नया स्टैंड है उस स्टैंड को लगाना है तो वो कुछ इस तरह से लग जाएगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी अच्छा है, उसके आप बाटी का ओवन काफ़ी ईजिली रख सकते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर रख देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 इंच की जगह देखने को मिल जाती है दोनों के बीच के अंदर, ग्लास टॉप और ओवन के बीच के अंदर। इसकी वजह से ग्लास टॉप जो है वो गर्म नहीं होता है और टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये हमने अमेजोन से ख़रीदा है 230 रुपये का। इसके अंदर 620 यूज़र्स ने 4.1 की रेटिंग इसे दे रखी है। बात करें अगर हम प्रोज की तो ये काफ़ी स्टडी प्रोडक्ट है, काफ़ी वर्सेटाइल डिज़ाइन है और आपके ग्लास टॉप को बचाता है। ये काफ़ी स्पेस सेविंग है, ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है आपका, और इसे असेंबल करना काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली आप इसे अपने ग्लास टॉप के ऊपर लगा सकते हैं। बात अगर करें हम इसकी कॉन्स की तो एक ही है इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं। मेरे घर में मेरी मम्मी को भी ये काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि हमारे घर के अंदर भी ग्लास टॉप स्टोव है जिसके ऊपर हम ओवन रख के काफ़ी इजीली आप बाटी बना लेते हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो हम हमारे वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।